बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आर चैनल कुकिंग विद जॉय। आज फिर से हाजिर एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं क्विक ब्रेड पिज्ज़ा। तो चलते हैं इस रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लेते हैं। हाफ कप हमने इसमें चिली गार्लिक सॉस ली है, आप चाहें तो इसमें केचप या फिर पिज्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप हमने इसमें चेडर एंड मोज़रेला चीज़ ली, उसे हमने ग्रेट कर लिया है। 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। 1 हमने इसमें प्याज लिया और उसे हमने क्यूब्स में कट कर लिया, और आधी शिमला मिर्च लिया उसे भी क्यूब्स में कट कर लिया। स्वीट कॉर्न लिए हमने 1/4 कप, और इसमें हम ऑरिगेनो यूज़ करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइस लेंगे और इस पर हम केचप या चिली गार्लिक सॉस या पिज़्ज़ा सॉस, जो भी आपको पसंद हो आप वो लगा सकते हैं। केचप और चिली सॉस तो मोस्टली सब घरों में हर टाइम अवेलेबल होती है। इस तरह से सारे स्लाइसेस के ऊपर हम सॉस लगा लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। सारे स्लाइसेस के ऊपर सॉस लग गई है, अब हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे। सारे ब्रेड स्लाइसेस पे हमने चीज़ लगा ली है, अब हम इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स लगाएंगे। हम इस पे प्याज लगाएंगे। इसके ऊपर हम शिमला मिर्च लगाएंगे। आप चाहें तो इससे मशरूम्स और ऑलिव्स भी लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ओरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे। हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी थोड़ी। तो देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे कलरफुल से ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हैं ओवन में जाने के लिए। हमने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। अब हम इसको सिर्फ इतना बेक करेंगे कि ये चीज़ मेल्ट हो जाए। तो चलिए इसे बेक करके आपको दिखाते हैं। चीज़ हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया और ब्रेड पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। कितने ज़बरदस्त हमारे ब्रेड पिज़्ज़ा रेडी हो गए हैं। एक स्लाइस हमने कट किया, आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त और चीज़ी ब्रेड पिज़्ज़ा हमारा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।